ओडीज को रोका नहीं जा सकता। अगर वो अपना मनपसंद स्नैक कसरत में अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें कौन रोकने वाला है? जूलिया शहर की सबसे अच्छी पर्सनल ट्रेनर है। जिम में खाना नहीं, लेकिन उसे कभी कभी बेवकूफ बनाया जा सकता है। एरिका ने ये कर दिखाया। देखो डोनट डंबल्स, ये बहुत कला से भरा है। ऐसी ट्रीट के साथ वो किसी भी तरह की थका देने वाली कसरत झेल सकती है। स्वादिष्ट। एक डोनट साफ तौर पर तुम्हारी मसल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरे लोग सिर्फ जल सकते हैं। किसी और के पास इतना स्वादिष्ट वेट नहीं है। लाइफ हैक काम करता है। जूलिया हमें कभी भी कोई ब्रेक नहीं लेने देती। उसका खास नियम तब तक कसरत करते रहना है जब तक आप थक नहीं जाते, और उसके ऊपर एक और आधा घंटा, और यहाँ है एक और नासिकिया। आप देख ही सकते हैं कि रान जिम में ज्यादातर नहीं आता, हालांकि उसकी मसल्स ठीक ठाक हैं। तो एक सेट के लिए जाना चाहते हो? अब जूलिया उस पर सही से नजर रखने वाली है। वो उसे बाइक चलाना सिखाएगी। ऐसा लग रहा है कि जूलिया ने अपनी कोचिंग की तारीफ की शक्ति का गलत हिसाब लगा लिया। और ये क्या है? स्नैक्स? तो उसके मसल्स इस वजह से हैं। गंदे राइन, बहुत बुरी बात। जिम से बाहर निकलो, कहीं और जाकर चिप्स खाओ। जूलिया का योगा क्लास में जाने का वक्त आ गया है। ये स्नैक्स उसे बहुत परेशान कर देते हैं। हाइजीन प्रोडक्ट किसी भी जिम में जरूरी होते हैं। जिम में आप और किस तरह से अपने साथियों की बदबू को झेल सकते हैं? लेकिन सैली के पास खास डिओड्रेंट है। वो मीठा और स्वादिष्ट है, और रूलर की जगह एक लॉलीपॉप है। बहुत होशियार। अब उसकी कसरत इतनी भी बेस्वाद नहीं होगी। बदकिस्मती से जिम वाले साथियों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर किसी पे शक होता है तो उसकी जांच होगी। क्या होगा अगर मसल्स के इस पहाड़ में एक हॉट डॉग या एक बर्गर छिपा हुआ हो? लेकिन मार्टिन के पास कुछ नहीं है। वो जिम में खाने नहीं आया, वो बस वेट उठाना चाहता है। वो बस अपने साथ पानी लाया है। लेकिन इस लड़की पर शक का कोई कारण नहीं है। वो बहुत ईमानदार लग रही है। उसकी आंखों को देखो, वो अपनी स्पीड से काम कर सकती है। और अभी के लिए जूलिया इस न्यू कमर पर नजर रखेगी। वाह, पॉली के पास उसके ऊपर ढेर सारी कैंडी है। ये कैंडी स्टोर से बेहतर है। यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है। जूलिया फिर सेम कैंडी छुपा कर लाने वालों से बेवकूफ बन गई। लेकिन पॉली लालची नहीं है, वो अपने स्नैक्स बांट सकती है। रायन के पास खाना छिपा कर ले जाने की एक योजना है। चीज का ये टुकड़ा बिल्कुल एक सीटी की तरह है। आप एक ही वक्त पर कसरत कर सकते हैं और इसे खा सकते हैं। ऐसा लग रहा है रियान ने अपना पानी लॉकर रूम में छोड़ दिया है। कोच को अपने जूते बांधने की जरूरत है बुरे वक्त पर। लेकिन इन शौक या एथलीट्स को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे लड़ाई के मैदान में वापस जाना होगा। ओह, जूलिया ने गलत सीटी पकड़ ली। वो जरूर समझ जाएगी कि क्या हुआ है। ठीक है, रुको, ये आवाज क्यों नहीं कर रही? और सीटी से चीज जैसी महक क्यों आ रही है? हमसे कहां गलती हो गई? और ये रहा नियम तोड़ने वाला। लेकिन एक स्वादिष्ट स्नैक की जगह वो एक बहुत तेज शोर के मजे लेने वाला है। तो मेरी सीटी वहां है। बेचारा रायन, ना ही सिर्फ उसके गले में सीटी अटक गई, बल्कि उसे बाहर भी निकाल दिया। साली हमेशा ट्रेंडी बने रहने की कोशिश करती है, लेकिन आज उसके बालों में एक खास सजावट है। स्वादिष्ट मार्शमेलोज वाला एक हेयर क्लिप। लारा को ये तरकीब बेहद पसंद आई। यहाँ तक कि जूलिया ने भी साली के डेडिकेशन की तारीफ की है।
इतनी मेहनत करके आकार में आने के लिए आप खुद को एक स्नैक इनाम के तौर पर भी दे सकते हैं। दूसरे लोग स्नैक के बिना ही बाइक चलाते हैं। उसकी बॉडी बहुत बढ़िया है, लेकिन लारा की तरकीब असफल हो गई। उसके खाने लायक हार में से दूर से ही चीनी जैसी महक आ रही है। आहा। गमी बेयर्स, मेरी निगरानी में नहीं। तुम जूलिया को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। और रायन जिम में लंच करने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ता। वो पीसी हुई चीनी का एक पूरा कटोरा लाया है। कोच को लग सकता है कि ये वेटलिफ्टिंग के लिए टैल्कम पाउडर है। स्वादिष्ट। शायद जूलिया अदली बदली पर ध्यान ना दे, बस सबूत को वक्त रहते छिपा दो। तो ये क्या है? लेकिन जूलिया को चीनी से एलर्जी है। कोशिश के लिए तुम्हें ए मिलता है, लेकिन नाटक के लिए एक एफ। लारा के पास भी एक बढ़िया लाइफ हैक है, लेकिन वो जिम उस तरह नहीं जा सकती। ऐसा लग रहा है तौलिए के नीचे खाना छिपाना एक अच्छी तरकीब नहीं है। इन दो बगर से छुटकारा पाओ और बॉडी पूरी तरह से अलग होगी। जूलिया पहले से ही इतने नियम तोड़ने वालों का पर्दाफाश कर चुकी है कि अब उसे गिनती भी याद नहीं। साली को ब्यूटी का एक और रहस्य पता है। नाक और कानों के छेद बहुत अच्छे दिखते हैं। वो उसे एक एथलेटिक जैसा बना रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ छिपाया जा रहा है। आप इस गहने को खा सकते हैं। कैंडी एक एथलीट की मुश्किल जिंदगी को आसान बनाती है। और साली ने फिर से अपने कोच को बेवकूफ बना दिया। अपने पर्सनल ट्रेनर पर भरोसा करो। अगर जूलिया डिस्क पर कमर की कसरत करने का सुझाव देती है तो लारा वही करेगी। लेकिन उसका एक खास तरीका है। अगर आप एक पिज्जा का इस्तेमाल करते हैं तो वजन कम करना और भी मजेदार होता है। डिस्क के ऊपर कुछ मूवमेंट्स और पिज्जा का एक स्लाइस। पतला और खुश होने का यही रहस्य है। लेकिन जूलिया एक ब्लड हाउंड की तरह पिज्जा का पता लगा सकती है। बुरी किस्मत लॉरा। लेकिन रान पहले से कहीं ज्यादा खुश है। क्या ये सब मेरे लिए है? शुक्रिया। एरिका वेट्स के साथ काम करना पसंद करती है। पुराने सादे वेट्स नहीं, मीठे वाले। जैसे ही जूलिया पीछे मुड़ती है आप थोड़ा सा स्नैक खा सकते हैं। और अगर वो पास आती है तो आपको थोड़ा और तेज हिलना चाहिए। ये एक शानदार काम की चीज है। और जूलिया ने कुछ नहीं देखा। लॉरा जोखिम लेने वाली लड़की है। उसने जिम में एक डोनट लाने की हिम्मत करी है। वो क्या है? एक डोनट? नहीं, ये सिर्फ एक हैंड ग्रिपर है। ठीक है, फिर और तेज निचोड़ो। बेचारा बेचारा डोनट। आहा। लेकिन अभी भी तुम बचा हुआ खा सकती हो। रायन ने सब कुछ दिखाने का फैसला किया। वो जूलिया को दिखाना चाहता है कि वो क्या कर सकता है। ये रहे मेरे आप्स। ये चौंका देने वाले हैं। बुरे सपने झेलने के लिए तैयार हो जाओ। जूलिया उसे सबक सिखाने वाली है। भागो रायन, भागो। क्या आपको हमारी नई वीडियो पसंद आई? तो नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आप जिम में स्नैक्स छिपा कर कैसे ले जाएंगे।
और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को जरूर दबाएं ताकि आप ट्रूम ट्रूम पर जिम के बारे में और भी मजेदार स्केचेस मिस ना करें।